दो गन यानी कि M79 और X-Mate की वेपन ग्लोरी पुशिंग में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट एपिसोड जिन भी लोगों ने देखा उन लोगों को मालूम होगा फाइनली हम लोगों को लास्ट एपिसोड के अंदर इन दोनों गन के इंडिया के टाइटल तो मिल गए थे, लेकिन आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग और आगे के लिए वेपन ग्लोरी पुश करने वाले हैं। आज के गेम बहुत ही इंटेंस जाने वाले और लॉन्चर की वजह से कुछ कुछ गेम के अंदर तो मरना भी पड़ेगा। खैर जो भी होगा देखा जाएगा, फटाफट से गेम की तरफ चलते हैं। पहले गेम के अंदर ही हर बार की तरह अपने रिसप्लाई की तरफ आया था, जैसे ही रिसप्लाई को लूटता हूँ यहाँ पर मेरे को X-Mate मिल जाती है। X-Mate को लेके थोड़ी आसपास लूट कर रही थी कि हमारे पास में कुछ ड्रॉप गिर चुके थे, तभी मेरे सामने एक और ड्रॉप था जिसको कोई एनिमी लूट रहा होता। तो पहले तो मैं उस एनिमी की तरफ ही बढ़ता हूँ, पहले तो ताचे का यूज करता हूँ। अब एनिमी के बहुत ज्यादा क्लोज में आ गया था, फिर से ताचे का यूज करके इस एनिमी को हेडशॉट से मैंने फिनिश कर दिया था। चलो पहला किल तो मैंने हेडशॉट से फिनिश कर दिया, यानी कि अब मेरे को X-Mate से खाली एक ही किल करना है। इसके बाद मैं ड्रॉप को लूटता हूँ जहाँ पे मेरे को लॉन्चर तो मिलता ही नहीं है। फिर लैम्बो को लेके मैं थोड़ा आगे आ गया था, थोड़ा आगे आगे अपना रिसप्लाई लूट के गाड़ी के अंदर बैठने वाला था, तभी मेरे को एक एनिमी आता हुआ दिख जाता है। उस एनिमी को फटाफट से मैंने बॉडी शॉट से फिनिश कर दिया था, यहाँ पर मेरे X-Mate से पूरे किल हो गए थे। इसके बाद मैं फैक्ट्री पे आ गया था जहाँ पे मेरा रिसप्लाई आया हुआ था। अब जैसे मैं रिसप्लाई को लूट के थोड़ा आगे जा ही रहा होता हूँ, मेरे को एक एनिमी दिख जाता है जो कि वेंडिंग मशीन की साइड जा रहा होता है। पहले तो मैं से लूटने का इंतजार कर रहा होता हूँ, जैसे बंदा खड़ा होता है उस एनिमी को मैं फटाफट से हेडशॉट से फिनिश कर देता हूँ। अब मैं ड्रॉप लूटने शुरू कर देता हूँ, मैं पहला ड्रॉप लूटता हूँ जहाँ पर मेरे को AWM मिलती है। गाड़ी को लेके मैं थोड़ा आगे की साइड आ गया था, लेकिन यहाँ पर एक एनिमी होता जो कि मेरी गाड़ी को जला देता है। और यहाँ पर मेरा हाथ बहुत गंदा स्लिप हो गया था, मैं ग्लूवल लगाने के लिए बहुत देर तक बैठा रह गया, तो बच गया, उस एनिमी ने हेडशॉट नहीं मारा। बट आखिरी में जाके मैंने उस एनिमी को हेडशॉट से फिनिश कर दिया था। और इस एनिमी को फिनिश करने के बाद मैं अर्सनल पे आया था कि क्या पता अर्सनल के अंदर मेरे को लॉन्चर मिल जाए। लॉन्चर का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर मेरे को एक एनिमी और दिख जाता है। पहले मैं उस एनिमी के हेड पे एम लेके फायर कर ही रहा होता हूँ, लेकिन ना जाने वाले एनिमी पीछे की साइड चला गया था। अब अर्सनल के अंदर तो लॉन्चर था ही नहीं, इस एनिमी को किल करने के लिए बढ़ ही रहा हूँ, यहाँ पर ये एनिमी भागना शुरू कर देता है। डैमेज देने की तो पूरी कोशिश करी थी, लेकिन एनिमी का रिसीव बहुत ही बढ़िया था, वो बच के चले जाता है। अब यहाँ पर नेट में फेंकता हूँ, लेकिन जल्दबाजी में इतना बेकार नेट फेंका था, एनिमी को लगने की जगह मेरे को ही लग जाता है। खैर अब ये एनिमी मेरे सामने आ गया था, मैं पहले एक ग्लूवल लगाता हूँ और सोचता हूँ इस एनिमी के हेड पे एम लेके मारूंगा। हेड पे एम लेके मारने की कोशिश कर जाता है, लेकिन उसको डैमेज लगने की जगह मेरे को ही डैमेज लग जाता है। मैंने हील कराई था कि इतना में ये एनिमी मेरे ऊपर रस करता है। फटाफट से पीछे जाके इस एनिमी को मैंने हेडशॉट से फिनिश कर दिया था और लॉन्च पैड का यूज करके मैं पोची नॉक पे आ जाता हूँ। अब इतना छोटा जोन हो चुका था कि लॉन्चर मिलने की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। थोड़ा एलसेप के ऊपर आया था कि यहाँ पर जोन के बाहर से आता हुआ मेरे को एक एनिमी दिख जाता है। उस एनिमी को मैंने फटाफट से हेडशॉट से फिनिश कर दिया था और पास में कुछ एनिमीज फाइट कर रहे थे, इसलिए सीमेंटेड हाउस के ऊपर कूद के फटाफट से मैं थोड़ा आगे की साइड आया ही था कि यहाँ पर एक एनिमी मेरे सामने आता है। जैसे तैसे करके उस एनिमी को मैंने बॉडी शॉट से फिनिश कर दिया था। अब थोड़ा आगे आने के बाद मेरे को एक ड्रॉप गिरा हुआ दिखता है, तो मैं लॉन्च पैड का यूज करके उस ड्रॉप के पास जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इतने ही एक एनिमी मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज देता है और मैं जोन के बाहर आके गिर गया था। पहले तो फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और हील करते करते मैं ड्रॉप के पास पहुंच जाता हूँ। सोचा था ड्रॉप के अंदर M79 मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो चार्ज बस्टर होती है। गाड़ी को लेकर जोन के अंदर जा रहा था, ना जाने कैसे ये एनिमी गाड़ी के अंदर मेरे को डैमेज दे पा रहा है, मैं तो मिस्टर कैटर यूज कर रहा हूँ। अब ये एनिमी मेरे सामने आता है, मैं एनिमी को पहले थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, लेकिन ये एनिमी जोन के बाहर था तो मैं पहले जोन के अंदर आ जाता हूँ और जोन के अंदर आके इसका वेट कर ही रहा होता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक एनिमी एलिमिनेट हो जाता है। मेरे को तो लग रहा था शायद से वो एनिमी एलिमिनेट हो गया, लेकिन जैसे थोड़ा आगे जाता हूँ ये एनिमी एकदम से मेरे सामने आ जाता है और मेरे को बहुत सारा डैमेज भी दे देता है। अब मेरी इतनी कम हेल्थ हो चुकी थी और इस एनिमी से फाइट लेने की जगह मैं यहाँ पर हील करने की सोचा था। मैंने अपने को पूरा कवर कर लिया था, लेकिन ये एनिमी ऊपर से चढ़ के आ रहा होता है, मैं फटाफट से एक ग्लूवल लगाता हूँ, हील कर ही रहा था, लेकिन वो एनिमी ऊपर से ना जाए एक और ग्लूवल लगाई थी, लेकिन यार यहाँ पे मेरी पीछे ग्लूवल हट जाते हैं। जैसे पीछे ग्लूवल लगाता हूँ वो एनिमी मेरे ऊपर लिटरली FGL की बारिश कर देता है। यहाँ पर मेरी वेस्ट तो सेकंडों में फट जाती है और साथ के साथ मैं भी यहाँ पर मर जाता हूँ। वैसे भूया नहीं मिला इस बात का गम तो है, लेकिन इतने छोटे जोन के अंदर लॉन्चर तो मिलने ही नहीं वाला था। तो मर गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि X-Mate की भी पूरी ग्लोरी मिल गई थी। अब इसी के अगले गेम के अंदर मैं सीमेंटेड हाउस के ऊपर उतरने वाला था, लेकिन मेरे पास में एक एनिमी था जो कि मेरे साथ साथ उतर रहा था। मुझे लग रहा था गन उसको ना मिल जाए, लेकिन होता ऐसा ही है, उस एनिमी को गन मिल जाती है और वो मेरे को बहुत सारा डैमेज देता है। जैसे तैसे करके मैं अंदर तो आ गया था, यहाँ पर मेरे को P90 मिल भी गई थी। उस एनिमी को मैं डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, बहुत सारा डैमेज दे भी देता हूँ, लेकिन मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम थी। अब जो होगा देखा जाएगा, ये सोच के बाहर आया था, ये एनिमी अंदर भाग रहा होता है, पता नहीं क्या कर रहा था। अब मालूम पड़ता है इस एनिमी की एमो खत्म हो गई थी, इस वजह से मैंने इस एनिमी को बहुत ही इजीली फिनिश कर दिया था। अब इसे फिनिश करने के बाद हील करके जैसे मैं फ्री हुआ ही था कि यहाँ पर एक और एनिमी आसपास में उतर रहा था और यहाँ पे बहुत सारे एनिमी फाइट कर रहे होते हैं। मैं थोड़ा ऊपर आता हूँ, मेरे सामने एक एनिमी होता है, इसको थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, आयरिस का यूज करता हूं। पहले मेरे सामने एक एनिमी था जिसको किसी और ने मार दिया, फिर एक और एनिमी आता है उसको मैंने हेडशॉट मारता, लेकिन वो ओरियन बन जाता है। पर जैसे जैसे करके मैं उस एनिमी को बॉडी शॉट से फिनिश कर देता हूँ। अभी मेरे पास एक और एनिमी था जिसके ऊपर आयरिस का मार्क लगा हुआ था। अब मैं उस एनिमी के ऊपर रश करने के लिए फटाफट से नीचे आया था, लेकिन यहाँ पर मेरे सामने से एक और एनिमी आ जाता है जिसके पास MP40 होती है, लेकिन उस एनिमी को मैंने जैसे जैसे करके बॉडी शॉट से फिनिश कर दिया था। इस एनिमी की लूट बॉक्स से मेरे को MP40 और स्कार मिल जाती है। इसको अच्छे से लूट के अब ऊपर की साइड जा ही रहता हूँ, तभी मेरे को मालूम पड़ता है ऊपर भी एक एनिमी है जो कि मेरे को डैमेज देने की कोशिश करता, लेकिन मैं बच जाता हूँ ग्लू वाला के। मेरे नीचे भी एक एनिमी आ चुका था। हील कर थोड़ी हिम्मत दिखाने के बाद मैं नीचे तो आ गया था, लेकिन मेरे पास में कोई एनिमी नहीं था। एक एनिमी सामने ग्लू वाला लगाए रखता है, उसकी ग्लू वाला के ऊपर मैं आयरिस का यूज करता हूँ
और डैमेज देने की कोशिश कर रहा होता हूँ, लेकिन ये एनिमी बहुत ही बढ़िया मूवमेंट कर रहा था और तब से का यूज करके मेरे पास में भी आ चुका था। अब मेरे को MP40 भी मिल चुकी थी तो इसलिए मैं इस एनिमी के ऊपर तो रस कर देता हूँ। एंड ये एनिमी की बहुत ही कम हेल्थ थी, मैंने इस एनिमी को बहुत ही इजिली बॉडी शॉट से फिनिश भी कर दिया। अब एक एनिमी ने मेरे पर हेडलिस्ट मारा हुआ था और मैं इस एनिमी को लूट रहा था, तभी मेरे सामने एक और एनिमी आ जाता है। लिटरली यहाँ पर एनिमी आने बंद ही नहीं हो रहे थे, मैं फटाफट से भाग के ऊपर आ गया था, फिर थोड़ा बाहर आया था कि यहाँ पर मेरे सामने एक एनिमी होता है जिसको मैं डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह एनिमी मेरे हाथ से बच के निकल जाता है। तभी मेरे पास में एक और एनिमी था जिसको हिटलिस्ट वाले एनिमी ने फिनिश कर दिया था, और ये हिटलिस्ट वाला एनिमी बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा था, जिसको देख के ऐसा लग रहा था क्या पता ये एनिमी जादूगर हो। तभी हिम्मत करके मैं से थोड़ा बहुत डैमेज तो देता हूँ, लेकिन इस एनिमी के पास वुड पैकर थी, इसलिए मैं तो समझ गया था कि इस एनिमी के सामने कैसे भी करके नहीं जाना, क्योंकि वुड पैकर से हेडशॉट मारना भी के टाइम पे बहुत ज्यादा इजी है। अब घर के अंदर एनिमीज की आवाज आई जा रही थी तो मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही घूमे जा रहा था, तभी मेरे को एक और एनिमी दिख जाता है जिसके ऊपर मैं रस करने की तो सोचता हूँ, और मैं उस एनिमी के ऊपर रस करने वाला ही था, इतने हिटलिस्ट वाला एनिमी भी नीचे से ऊपर आ जाता है, और इस एनिमी ने नुब से कपड़े पहन रखे थे, मेरे को लग रहा था ये एनिमी जादूगर है, इसलिए मैं तो थोड़ा नीचे आ गया था, और ये भी मेरे पीछे पीछे आई जाता है। पहले मैं इसको थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, फटाफट से ग्लूवा लगाता हूँ, इतने एक और एनिमी ने मेरे ऊपर रस कर दिया था, मैंने उस एनिमी को तो फटाफट से हेडशॉट से फिनिश कर दिया था। अब यहाँ पर सिर्फ हिटलिस्ट वाला एनिमी बचा था जो कि मेरे ऊपर नेट वगैरह फेंक रहा था, मेरे पास लॉन्ग रेंज गन अच्छी नहीं थी, लेकिन इस एनिमी की लूट बॉक्स से मेरे को पैराफल मिल जाती है। फटाफट से पैराफल उठा के मैंने उस एनिमी के ऊपर रस कर दिया था, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती होती है, इस एनिमी को मैंने हेडशॉट तो दिया था लेकिन होता वो ये जो मैंने सोचा था, लिटरली ये एनिमी मेरे को हेडशॉट मार देता है, और इतना बढ़िया गेम जा रहा था, पूरे गेम की ऐसी तैसी कर दी। लेकिन चलो इस मैच के अंदर मेरी रैंक तो माइनस नहीं हुई थी, इसी के अगले गेम के अंदर मैं वापस से सीमेंटेड हाउस के अंदर आ जाता हूँ, जहाँ पर मैं थोड़ा बहुत लूटता हूँ, फिर मैं थोड़ा आगे आ गया था, यहाँ पर मेरे को पैराफल तो मिल गई थी, उसी के साथ में मेरे पास MP5 रहती है। लूट कर ही रहा था कि एकदम से मेरे सामने से एक एनिमी आता है, जिस एनिमी को मैंने बहुत ही इजीली MP5 से हेडशॉट से डाउन कर दिया था, यहाँ पर मेरी भी पूरी हेल्थ ले गया था ये एनिमी। वैसे इस एनिमी के पास यहाँ पर होरिजलाइन था, और जैसे मैं लूटता हूँ इस एनिमी के पास मेरे को एक्समेट भी मिल जाती है। खैर अब ग्लूवल को खोला था कि मेरे आसपास कुछ एनिमीज दिखा रहा था, जैसे मैं थोड़ा आगे जाता हूँ यहाँ पर एक एनिमी नजर आता है, जिस एनिमी को मैंने पहले थोड़ा बहुत बॉडी शॉट मारता है, एंड फिर आखिरी की एक गोली न जाने कैसे उसको हेडशॉट लग जाती है, वो सोनिया बन जाता है, और कुछ देर बाद वो हेडशॉट से फिनिश भी हो जाता है। अब गेम के अंदर चार्ज होने वाले अर्सनल आए थे, इसलिए फटाफट से गाड़ी को लेकर मैं अर्सनल को देखने निकल जाता हूँ, क्या पता मेरे को लॉन्चर मिल जाए। पहले अर्सनल के अंदर देखता हूँ, अच्छे से देखता हूँ, यहाँ पर मेरे को लॉन्चर मिलता ही नहीं है, फिर दूसरे अर्सनल पे आता हूँ, यहाँ पर भी मेरा नसीब बहुत ही खराब था, मेरे को लॉन्चर मिलता ही नहीं है। लेकिन तभी मेरी नजर जाती है मेरे सामने वाले अर्सनल पे, जिसको किसी और एनिमी ने खोला हुआ था, और मेरे को अंदर से फील आ रहा था कि यहाँ पर मेरे को लॉन्चर मिल सकता है, और जैसे ही मैं पास पहुंचा था यहाँ पर मेरे को बाहर से लॉन्चर दिख जाता है, फटाफट से लॉन्चर को उठाता हूँ और गाड़ी को लेके यहाँ से निकल जाता हूँ। जोन में जाते वक्त मेरे को एक ड्रॉप दिखता है जिसके अंदर मेरे को ग्रोजा एक्स मिलती है, लेकिन लॉन्चर मिलता ही नहीं है। इसके बाद मैं क्लॉक टावर पे आ गया था, जहाँ पर कुछ एनिमीज फाइट कर रहे होते हैं और मेरे को एक्समेट से भी किल करने थे, इसलिए एक एनिमी का मैं किल चोरी कर लेता हूँ, और मैं थोड़ा नीचे आया था कि मेरे सामने एक और एनिमी होता है, उसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज दे रहा होता हूँ, लेकिन वो बंदा ओरियन बन जाता है। मैं फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठता हूँ क्योंकि मेरे को लॉन्चर से किल करने थे। गाड़ी को लेके उस एनिमी के ऊपर रस कराई था कि सामने एक ट्रक पड़ा रहता है, तो ट्रक को लेता हूँ और फटाफट से उस एनिमी के ऊपर रस कर देता हूँ। वो एनिमी घर के अंदर आ चुका था, एक्समेट से डैमेज देने की कोशिश करी, लेकिन बंदा ग्लूवा लगाता है। पहले FGL से उस एनिमी की लोकेशन चेक करता हूँ, एंड उस एनिमी के ऊपर मैं लॉन्चर तो मारने वाला था, लेकिन यहाँ पर गोली वेस्ट ना जाए इसलिए मैं पहले FGL से चेक करता हूँ। अब ना जाने वो एनिमी कहाँ पर जा चुका था, लेकिन देखता हूँ तो वो एनिमी यहाँ पर हील कर रहा होता है एक लॉन्चर में, इस एनिमी का तो काम तमाम हो जाता है। बट इतने ही एक एनिमी और आ गया था, हालांकि ये एक लड़की थी जो कि मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज देने की कोशिश करती है और बहुत ज्यादा डैमेज दे भी देती है, लेकिन मैं फटाफट से हील करता हूँ। थोड़ी देर बाद ये लड़की मेरे ऊपर रस कर रही होती है, मैं फटाफट से इसके ऊपर एक लॉन्चर मारता हूँ जिससे इसको बहुत ही कम डैमेज आता है, फिर दूसरी तरफ से मेरे पर रस करने की कोशिश कर रही होती है। पहले मैं इसको एक्समेट से डैमेज देता हूँ, फिर इसके ऊपर मैं नेट कुक करके ही फेंकता हूँ, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हो पाता है। और इतने में ये हमारे सामने से भी आ गई थी, मैं ये फटाफट से लॉन्चर लेता हूँ और लॉन्चर से डैमेज देने की कोशिश करता हूँ। जैसी मेरे सामने आती है पहले एक लॉन्चर मारता हूँ, लेकिन बहुत ही कम डैमेज आता है, फिर दूसरा लॉन्चर मारता हूँ जिसका तो डैमेज ही नहीं जाता, फिर मेरी यहाँ पर एमो तो खत्म हो चुकी थी, और मेरे ज्यादा मूवमेंट करने के चक्कर में इस लड़की ने मेरे को डाउन कर दिया था और फटाफट से फिनिश भी कर देती है। लेकिन ये मैच बाकी मैच के जितना बुरा तो नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हमको एक्समेट की पूरी ग्लोरी तो मिली थी, साथ में लॉन्चर की भी थोड़ी बहुत ग्लोरी मिल गई थी। देख लो यार, लॉन्चर की पूरी ग्लोरी लेने के लिए कई बार क्या क्या करना पड़ता है। इसी के अगले गेम के अंदर मेरे सामने एनिमी रहता है जिसके पास एक्समेट रहती है, फटाफट से मैंने उस एनिमी को ओक से फिनिश कर दिया था, और उस एनिमी के लूट बॉक्स से एक्समेट उठाई थी कि मेरे आसपास कुछ एनिमीज फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन एनिमीज के ऊपर रस करने में मैंने थोड़ी देरी कर दी थी, यहाँ पर खाली एक ही एनिमी बचा था जिसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, और फिर FGL ऐसे ही मारता हूँ, लेकिन ये एनिमी FGL से फिनिश हो जाता है। अब इस एनिमी को फिनिश करने के बाद मैं गाड़ी को लेकर ऊपर की साइड आ गया था, यहाँ पर एक एनिमी अर्सनल चार्ज कर रहा होता है, फटाफट से मैं ट्रक से उतरता हूँ और इस एनिमी को मैंने हेडशॉट से फिनिश कर दिया था, यानी कि यहाँ पर हमारे एक्समेट से पूरे किल हो चुके थे। अब जैसे मैं अर्सनल के अंदर देखता हूँ, यहाँ पर तो लॉन्चर होता ही नहीं, जैसे
यहाँ से जा रहा था, एक एनिमी मेरे सामने आ चुका था जिसको मैं डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, उसको थोड़ा बहुत हेडशॉट भी मारता हूँ। वो एनिमी ग्लूवेल लगाता है लेकिन उसकी बहुत ही गलत ग्लूवेल लगती है। अब ये एनिमी मेरे पर खुला रस करने लगा था, इस एनिमी को मैंने बॉडी शॉट से फिनिश कर दिया था। और जैसे कि अर्सनल के अंदर तो लॉन्चर नहीं था तो मैं ट्रक को लेकर थोड़ा नीचे आता हूँ जहाँ पर एक ड्रॉप गिरा हुआ था, ड्रॉप को लूटना शुरू करता हूँ। पहली बारी में यहाँ पर मेरे को M249 मिल गई थी और हमारे पास में एक एनिमी भी था लेकिन वो एनिमी पता नहीं कहाँ पर भाग गया था। और दूसरी बार में फाइनली यहाँ पर मेरे को लॉन्चर मिल जाता है। अब जैसे ही लॉन्चर मिला था यूएवी के अंदर कुछ एनिमीज दिखा रहा था, इसलिए फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठ के मैं उन एनिमीज के ऊपर रश कर देता हूँ। यहाँ पर पहुंचा ही था कि यहाँ पर एक एनिमी आराम से बैठ के लूट रहा था, उस एनिमी को मैंने लॉन्चर से मारने की कोशिश करी लेकिन एक एनिमी मेरा किल चोरी कर लेता है। उस एनिमी को मैंने फटाफट से एक्समेट से हेडशॉट से फिनिश कर दिया था। यहाँ पर हमारे 5 किल हो चुके थे। अब ट्रक के अंदर बैठ के मैं थोड़ा आगे की साइड जा ही रहा होता हूँ। अभी मेरे को जोन के अंदर जाता हुआ एक एनिमी दिखता है जिसको पहले मैं एक्समेट से थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, फिर लॉन्चर मारता हूँ लेकिन वो एनिमी ग्लूवेल लगाता है, फिर एक और लॉन्चर मारता हूँ लेकिन उसको डैमेज जाता ही नहीं है, फिर मैंने यहाँ पे FGL फेंक दिया था। अब वो एनिमी मेरे सामने आने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए मैं ट्रक को लेकर थोड़ा आगे की साइड आ गया था। वो एनिमी मेरे ऊपर रस कर ही रहा था, पहले एक लॉन्चर मारता हूँ जिससे थोड़ा बहुत डैमेज आता है, फिर दूसरा लॉन्चर जिसमें वो एनिमी फिनिश हो जाता है। अब बस मेरे पास लॉन्चर की केवल 2 ही एमओ बची थी और मैं सोच रहा था इन 2 एमओ सब क्या ही होगा। तभी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देख के बिल्कुल मेरे को मजा ही आ गया। ट्रक को लेकर थोड़ा आगे आया था कि यहाँ पर कुछ एनिमीज फाइट कर होता है, पहले ट्रक से उतरता हूँ, फटाफट से एक एनिमी को तो डाउन करता हूँ एंड उस एनिमी को फटाफट से ग्लू लगा के फिनिश भी कर देता हूँ। अब मेरे लॉन्चर के अंदर केवल एक ही एमओ बची थी और मेरे को एक ही किल करना था। मेरे सामने एक एनिमी होता जो कि मेरे को डैमेज देने की कोशिश कर रहा था, पहले उसको ट्रक से उड़ाता हूँ एंड एक लॉन्चर मारता हूँ, वो उसी में डाउन हो जाता है और उस एनिमी को भी फटाफट से फिनिश कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पूरे 8 किल हो जाते हैं। इन एनिमीज को फिनिश करने के बाद मैं जोन के अंदर आ गया था, यहाँ पर मेरे सामने एक एनिमी भाग रहा होता है। मैं फटाफट से ट्रक से उतरता हूँ, इसको थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ और थोड़े डैमेज के अंदर ही सोनिया बन जाता है। बेचारे के पास साइज से लूट नहीं थी, फिर भी मैंने उस एनिमी को हेडशॉट से फिनिश कर दिया था। अब यहाँ पर एक और एनिमी सामने दिखता है, इस एनिमी को भी एक्समेट से मारने वाला था, इसलिए थोड़ा पास जाके ट्रक से उतर जाता हूँ। इस एनिमी को एक्समेट से डैमेज देने की कोशिश कर रहा होता हूँ लेकिन ये एनिमी वोकोंग बन जाता है, फिर इस एनिमी को मैं थोड़ा ट्रक से उड़ाता हूँ लेकिन गलती से हाथ में MP40 आ जाती है जिसकी वजह से बहुत ही कम डैमेज पड़ पाता है। अभी इस एनिमी ने ग्लूवर लगा ली थी और आयरिस का यूज करके मैं इस एनिमी को हेडशॉट मारने वाला था लेकिन इतने ही एक एनिमी थर्ड पार्टी कर देता है और जैसे करके मैं इस एनिमी को डैमेज देता रहता हूँ और इस एनिमी को मैंने हेडशॉट से फिनिश भी कर दिया था लेकिन एक एनिमी थर्ड पार्टी करे जाता है, इसलिए फटाफट से ट्रक के अंदर बैठता हूँ लेकिन सभी एनिमीज मिलकर मेरे ट्रक को बहुत ही इजीली जला देते हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास और भी ट्रक थे तो मैं फटाफट से एक ट्रक और समन कर देता हूँ। थोड़े इंतजार के बाद अपना ट्रक तो आ गया था, फटाफट से ट्रक के अंदर बैठ के मैं एनिमी के ऊपर रस कहता हूँ जो कि हमारे ट्रक को जलाने की कोशिश कर रहा था। वो एनिमी ग्लूवल के पीछे छुपा हुआ था, मैं उस एनिमी को ट्रक से उड़ा देता हूँ और ट्रक से ही फिनिश हो जाता है। यहाँ पर हमारे 11 किल हो चुके थे। अब मैं जोन के अंदर आ चुका था। अब जैसे मैं जोन के अंदर आया था यहाँ पर मेरे को वो एनिमी भी दिख चुका था जो कि हमारे ट्रक को जलाने की कोशिश कर रहा था। उस पर मैं एम लेके उसको डैमेज देने की तो कोशिश करता हूँ लेकिन यहाँ पर ऐसे मार पाना तो उसको पॉसिबल नहीं था। लेकिन देखते देखते यहाँ पर हमारा जोन भी आ चुका था और अब वो एनिमी सेंटोनियो का यूज करके नीचे आने वाला था। जैसे एनिमी आता उसको मैंने डैमेज देने की तो कोशिश करी थी लेकिन एक एनिमी मेरे को नीचे डैमेज दे रहा था। फटाफट से ग्लूवल लगाता हूँ, यहाँ पर FGL का यूज करके पहले एक गोली मारता हूँ एंड फिर 2 गोली मारता हूँ, इसमें ये एनिमी फिनिश हो जाता है। अब बारी थी नीचे वाले एनिमी की जो कि हमको बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा था। पहले मैं जोन के अंदर आके ग्लूवल लगाता हूँ, नीचे वाले एनिमी को डैमेज देने की तो कोशिश करी थी लेकिन यार उसके पास बहुत ही बढ़िया कवर था, वो बार बार बच जा रहा था, इसलिए मैं भी हील करके यहाँ पर एक और मोस्टर ट्रक समन कर लेता हूँ। और जैसे मेरा ट्रक आ गया था मैंने उस एनिमी को ऊपर रस करके उस एनिमी को बहुत ही इजिली MP40 से फिनिश कर दिया था। अब हमारे अलावा केवल आखिरी का ही एक एनिमी बचा था जो कि ट्रक ही चला रहा था। उस एनिमी को मैं थोड़े मजे लेके मारना चाहता था तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो फटाफट से ट्रक के अंदर बैठ जाता हूँ और थोड़ा आगे चले जाता हूँ। और मैं करने वाला क्या था, मैं ट्रक से उतर के फटाफट से माइन ला के ग्लूवल लगाने वाला था ताकि वो एनिमी ग्लूवल के अंदर ठोके और वो माइन से एलिमिनेट हो जाए, लेकिन मैं ध्यान नहीं देता और वो कब कब मेरे पास में आ जाता है और वो मेरे को ट्रक से उड़ा देता है और मेरे को फटाफट से डाउन भी कर देता है। लेकिन यहाँ पर भाई थोड़ा बहुत स्टाइल वगैरह दिखाने लग गए थे और मैं हॉर्सलाइन से रिवाइव हो जाता हूँ। जो भी हो, अब मैं इस एनिमी को तो छोड़ने वाला नहीं था, फटाफट से मैं अपने को पूरा कवर करता हूँ, यहाँ पर हील करना शुरू करता हूँ। ये एनिमी मेरे पर नेट वगैरह फेंकने लग गया था, पूरी नेट की बारिश कर देता है। यहाँ पर मैंने एक और ट्रक समन कर लिया था, ये बंदा मेरे पर नेट की बारिश कर जाता था और मैं भी इंतजार कर रहा था अपने ट्रक का आने का। मैं पहले बहुत देर तक इंतजार करता हूँ लेकिन फाइनली हमारा ट्रक आ जाता है क्योंकि मैं इस एनिमी को एहसास कराने वाला था कि ट्रक से उड़ के कैसा लगता है। फटाफट से ट्रक के अंदर बैठता हूँ, इस एनिमी को ट्रक से उड़ा के MP40 से सोनी एक्टिवेट कर दिया था। अब थोड़ी देर बाद ये डाउन भी हो जाता है और इस एनिमी को मैं बिल्कुल भी मौका देने वाला नहीं था, इस एनिमी को फटाफट से फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पर फाइनली हमारा ये गेम 14 किल के साथ हो जाता है बुईया। और सबसे अच्छी बात, इस मैच के अंदर हम लोग को एक्समेट के साथ साथ M79 की पूरी ग्लोरी मिली थी। इसके बाद मैं अगले गेम में आ गया था, पास में ड्रॉप गिरा हुआ था, उसको चार्ज करने के लिए मैं गाड़ी लेने जा ही रहा था, तो मेरे सामने एक एनिमी होता था, उसको मैं पहले थोड़ा बहुत बॉडी शॉट मारता हूँ, फिर आखिरी में हेडशॉट से उस एनिमी को फिनिश कर देता हूँ। अब वहां से मैं गाड़ी को लेकर ड्रॉप चार्ज करने आ गया था, मैं ड्रॉप चार्ज करने लग जाता हूँ और ड्रॉप से पहली बार में फाइनली लॉन्चर तो मिल जाता है लेकिन दूसरी में यहाँ पर ग्रोज एक्स मिलती है। खैर, अब गाड़ी को लेके मैं थोड़ा आगे जा ही रहा था, यहाँ पर कुछ ग्लूवल्स लगी रहती है एंड जैसे मैं ग्लूवल के पास में जाता हूँ यहाँ पर एक एनिमी खड़ा होकर लूट रहा होता है। पहले मैं इस एनिमी के ऊपर लॉन्चर मारने वाला था, पहले एक लॉन्चर मारता हूँ फिर दूसरे लॉन्चर से ये एनिमी फिनिश हो जाता है। अब इस एनिमी को लूटने के बाद मैं गाड़ी के पास जा ही रहा था, जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचता हूँ यहाँ पर सामने एक एनिमी होता है, फटाफट से गाड़ी से उतरता हूँ एंड इस एनिमी को मैंने एक्समेट से हेडशॉट से फिनिश भी कर दिया था। इसके बाद पास में एक एनिमी ने अर्सनल खोला होता था, फटाफट से गाड़ी को लेकर मैं अर्सनल पे आ चुका था एंड जैसे मैं अर्सनल के पास में पहुंचता हूँ मेरे को मालूम पड़ता है वो एनिमी सर्वाइव कर रहा है। एक लॉन्चर
मारता हूँ एंड वो एक ही लॉन्चर में ढेर हो जाता है। बहुत ही बढ़िया गेम जा रहा था, यहाँ पर लॉन्चर से दो किल हो चुके थे और मैं आसपास लूट ही रहा था, तभी एक एनिमी मेरे को दूर से बहुत ज्यादा डैमेज देता है। देखता हूँ तो वो एनिमी ग्रीन क्रिमिनल होता है और इतने वो एनिमी मेरे ऊपर आयरिस का यूज कर लेता है। थोड़ा इंतजार करने के बाद मैं गाड़ी को लेकर एनिमी के पास में ही आ चुका था, मेरे को एनिमी दिखता था लेकिन वो थोड़ा अंदर की साइड चले गया था, तो मैं भी थोड़ा बहुत उसका पीछा करता हूँ। मैं इस एनिमी को एक्समेट से थोड़ा बहुत डैमेज देकर लॉन्चर से फिनिश करने वाला था और मैं आगे चल के ऐसा ही करता हूँ। अब ये एकदम से मेरे सामने आया था, मैंने एक्समेट से अच्छा खासा डैमेज दे दिया था और लॉन्चर लेके फटाफट से इस एनिमी को मैंने फिनिश कर दिया था। यहाँ पर हमारे 5 किल हो चुके थे और लॉन्चर से सारे किल कंप्लीट भी हो चुके थे। इसके बाद गाड़ी को लेके जोन के अंदर आया था, यहाँ पर हमारे पास में एक ड्रॉप गिरा होता है, इसके अंदर मेरे को लॉन्चर की और एमो मिल जाती है। अब मैं फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और हमारे पास वाले घर के अंदर ही एक एनिमी था, इसलिए फटाफट से मैं पीछे की साइड आ गया था। मुझे एनिमी के पैर थोड़े बहुत नजर आ रहे थे, इसलिए मैं लॉन्चर से पहले एक एमो एनिमी के ऊपर मारता हूँ जिससे बहुत ही कम डैमेज आता है, फिर दूसरी एमो मारता हूँ जो की वेस्ट ही चली जाती है, फिर एक एफजीएल भी फेंकता हूँ जिसका कोई फायदा नहीं रहता है, इसलिए अब मैं एनिमी के घर पे रस करने वाला था। लेकिन जैसे मैं रस कर रहा था एनिमी ऊपर से मेरे को थोड़ा बहुत डैमेज देने की कोशिश करता है। अब मुझे एनिमी की लोकेशन मालूम पड़ चुकी थी, इसलिए मैं फटाफट से पहले तो एनिमी की स्किल ब्लॉक करता हूँ और थोड़ा पीछे जाता हूँ और फिर से एक लॉन्चर फेंकने की कोशिश करता हूँ। इस बार इसको बहुत ज्यादा डैमेज तो आया था, फिर से एक लॉन्चर फेंका, वो भी वेस्ट चले जाता है। अब घर के अंदर आके मैंने इस एनिमी की लोकेशन पता करने के लिए एफजेल का बहुत ज्यादा यूज करा था, लेकिन इस एनिमी की मेरे को लोकेशन मिलती नहीं है। लेकिन जैसे मैं ऊपर आया था मेरे को मालूम पड़ा था कि ये एनिमी मर चुका था। इसी के बाद मेरे सामने एक और एनिमी था, मैं उस एनिमी के ऊपर रश कर रहा था, पहले मेरे को एनिमी दिखता है तो मैं लॉन्चर फेंकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लॉन्चर से बहुत ही कम डैमेज पड़ता है। फिर एक और लॉन्चर फेंकता हूँ जो कि वेस्ट चले जाता है, फिर एक और लॉन्चर फेंकता हूँ जिससे अच्छा खासा डैमेज तो पड़ा था लेकिन मेरी लॉन्चर की एमो खत्म हो चुकी थी। मेरे पास कोई शॉर्ट रेंज गन नहीं थी, इसलिए मैं तो थोड़ा पीछे की साइड हटे जा रहा था। वो एनिमी एकदम से मेरे सामने निकलता है, उसको हेडशॉट मारने की तो कोशिश करता हूँ लेकिन उल्टा ही वो मेरे को हेडशॉट मार देता है। आज के दिन मेरे नसीब में तो बुइया लिखा ही नहीं है। वैसे इस गेम के अंदर भी मेरे को लॉन्चर की पूरी ग्लोरी मिल गई थी। और उसी के साथ हम लोग बात करें हमारे वेपन ग्लोरी लीडर बोर्ड के बारे में कि हमारी रैंक अभी के टाइम पे क्या चल रही है। तो भाई स्कोर को जानने से पहले प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। हम लोग 100 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज है। बात करें एक्समेट की तो हम लोग दिल्ली के अंदर टॉप नंबर 1 पर भी आ चुके हैं और इंडिया के अंदर 64 नंबर पर है। उसी के साथ बात करें हमारे लॉन्चर की तो लॉन्चर के अंदर हम लोग दिल्ली के अंदर टॉप नंबर 5 पर है और इंडिया के अंदर हम लोग अभी के टाइम पे 77 नंबर पर है। जो भी लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं प्लीज कमेंट सेशन के अंदर 77 जरूर से लिख देना ताकि मेरे को मालूम पड़ सके कौन कौन वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। एंड हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।